स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीजी फाउंडेशन। तो काफी सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी हैं। कुछ चैप्टर्स रहते हैं, फिर क्लास 10 साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले कि मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊं, मैं ये सोच रही थी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि अगर लास्ट मिनट रिवीजन करनी है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही पहले कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो हर चैप्टर में से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि जो हर साल रिपीट होते हैं, जैसे कि मैं वीडियोस में भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि हर चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज उस पर वीडियो बनाते हैं, आज उस पर बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और किस तरह से मोल्ड होके आते हैं, या अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसमें से कौन सा टॉपिक आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास सिलेबस में आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये वीडियो शायद नंबर वाइज ही बनी हुई है, तो नंबर वाइज यानी कि फोर्थ सेकंड थर्ड चैप्टर है वैसे ही बनी हुई है। सबसे पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आती है केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं या फिर कितने टाइप्स की होती है। तो तुम्हें मालूम है कि केमिकल रिएक्शंस तुम्हारे पास कौन कौन सी हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड देन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तुम्हारे पास यहाँ पे चार टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसमें से क्वेश्चन फिक्स्ड है कि आएगा ही आएगा। आफ्टर दैट वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेसिकली रिडॉक्स की बात हो रही है, रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड लास्टली हमारे पास है कोरिजन या फिर कोरोजन। तो कोरिजन यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मेथड्स, वो इस चैप्टर में से आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो नेसेसरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम चैप्टर वन। तो अगर अब मैं बात करूं चैप्टर टू की एसिड बेसिस एंड साल्ट की, तो हमारे पास क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस है। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, फॉर्म होता है। उसके बाद एसिड और बेस की अलग अलग रिएक्शंस भी है कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या क्या चीजें फॉर्म करेगी। तो वो सारी रिएक्शंस क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पीएच, और इसके साथ साथ एक और टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पीएच पर भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ NaOH, NaOH की फॉर्मेशन पर क्वेश्चन आते हैं। NaOH से हमारे पास फर्दर बहुत सारी चीजें फॉर्म होती है, बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उस पर क्वेश्चन आते हैं। सोलवे प्रोसेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर टू, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। कौन सा चैप्टर है हमारे पास? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने अभी देखा था कि हमने अलग अलग रिएक्शंस कराई थी मेटल की ऑक्साइड के साथ, मेटल की हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है मेटल्स की प्लस नॉन मेटल्स की भी। केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्योंकि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है मेटल और नॉन मेटल की, तो फिर अगर एटलीस्ट तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो तुम याद कर ही लो मेटल और नॉन मेटल की। सोनरस होती है, डक्टाइल होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तीन इलेक्ट्रिसिटी भी। तो ऐसे ही काउंटिंग पे ही तीन याद हो जाएंगे तुम्हें, तो तीन एटलीस्ट कर लो, ठीक है, एंड मैक्स टू मैक्स फाइव कर लो याद, ठीक है। उसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर थ्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और चैप्टर वन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज के मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद अलग अलग सब्सटेंसेस आते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव फिर गोल्ड और सिल्वर हमारे पहुंच जाता है। तो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर वन प्लस चैप्टर थ्री दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है लास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसमें हम देख सकते हैं क्या हमारे पास आता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे हम सल्फाइड और ऑक्साइड जो ओर्स होते हैं उनको कैसे अलग अलग करके फॉर्म करते हैं एक प्योर मेटल, तो
एक्सट्रैक्शन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग हो गया। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के 3-4 पॉइंट्स याद कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज कोई नहीं छोड़नी है, जितनी है सारी की सारी पढ़नी है। रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें पता है दोनों चैप्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर फर्स्ट चैप्टर के टाइम पर ही याद करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, चैप्टर नंबर 4 की। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को कैसे नाम देंगे, जैसे एल्केन, एल्काइन और एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली नाम देते हैं। और उसके बाद प्रॉप, ब्यूट, ये पेंटेन, सारी पेंट, प्रॉप, ब्यूटेन, इथमिथ, ये सारी काउंटिंग के अकॉर्डिंगली नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, किस किस से रिएक्शन होने के बाद कार्बन क्या क्या चीजें फॉर्म करता है, कार्बन की वैलेंसी, टेट्रावैलेंसी क्यों होती है, चार ही बॉन्ड क्यों बनाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्टली हमारे पास आता है इसमें सोप एंड डिटर्जेंट, जिसमें हमारे पास मिसलीज फॉर्म होती हैं और एक्शन ओवर हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं, हर साल रिपीट होते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेना, वो रिपीट होती है, प्लस सोप और डिटर्जेंट भी रिपीट होता है, काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है और ये 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एमसीक्यूज बेस्ड भी दे सकते हैं तुम्हें इस पे बेस्ड की नोमेनक्लेचर, तुम्हें नाम बता दिया, तुम्हें उसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बताना होगा उस हिसाब से। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है बायो का, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में तो सारे ही प्रोसेसेस वैसे इंपॉर्टेंट है, बट अगर प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस आता है इसमें, रिएक्शन और काम, रिएक्शन प्लस काम कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होती है ग्लूकोज की, वो सारी की सारी बतानी होती है। अगर एनसीईआरटी खोल के देखा होगा तुमने तो तुम्हारे पास उसमें ऑलरेडी गिवन है पॉइंट्स कि क्लोरोफिल क्या काम करता है, सनलाइट कैसे ट्रैप होती है, वो सारी चीजें। उसके बाद है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन में हमारे पास एंजाइम्स का एक्शन, एंजाइम कैसे एक्टिवेट होते हैं, एचसीएल कैसे एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होती है, और उसके बाद हमारे पास फैट्स आते हैं तो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, और हमारी ओवरऑल डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होती है। ऐसे क्वेश्चंस हर साल बहुत बार रिपीट हुए हुए हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहला एक बेसिक चीज आती है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस, बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है तुम्हारे पास। उसके बाद जो तुम्हारे पास रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो तीन फॉर्मेशन का तुम्हारे पास एक ऐसा डायग्राम बना होगा जिसमें अल्टीमेटली ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म भी लिखा होगा, एक बार बुक खोल के देखना। नेक्स्ट है सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सर्कुलेशन कैसे होती है, ब्लड सर्कुलेशन, बेसिकली इसमें डबल सर्कुलेशन की बात हो रही है, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस, डबल सर्कुलेशन, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट वी हैव यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन तो खुद एक्सक्रीशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यूरिन फॉर्मेशन आया है नेफ्रोन में कैसे यूरिन फॉर्म हो रहा है, प्लस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकल जाते हैं लाइफ प्रोसेस में से, ये गिने चुने हैं कि इसमें से क्वेश्चन आ ही सकता है। तो एक बार अच्छे से देख लेना, डाइजेशन में से और रेस्पिरेशन में से काफी क्वेश्चंस आते हैं, प्लस यूरिन फॉर्मेशन भी आता है क्योंकि ब्लड भी प्योरीफाई होता है किडनी में, प्लस हमारे साथ यूरिन भी फॉर्म हो रहा है तो नेफ्रोन की फंक्शनिंग आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिफ्लेक्स एक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्स आर्क भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आता है बहुत बार रिपीट होता है कि एक हॉट ऑब्जेक्ट तुम्हें दिया है, तुम्हें उस
तुमने उस पे हाथ रखा और अब उसका पाथवे बताओ. पाथवे इज बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क, तो उसका पूरा रिफ्लेक्स आर्क तुम्हें बनाना पड़ता है. रिफ्लेक्स एक्शन तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन पे क्वेश्चन मतलब रिपीट होते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन. तो ह्यूमन ब्रेन बहुत रेयर चांसेस होते हैं आने के, आ भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड्स के एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा था और उसने किस ढंग से पेपर सेट किया. बट ह्यूमन ब्रेन में हर ब्रेन के पार्ट के फंक्शनिंग. आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, हार्मोन्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, आना ही आना है क्वेश्चन. मूवमेंट्स इन प्लांट्स पे भी आना है प्लस हार्मोन्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों पे क्वेश्चन आना ही आना है. जियोट्रोपिज्म मूवमेंट्स पर भी आना है. जियोट्रोपिज्म हो गया हमारे पास, इसमें हमारे पास और क्या क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म, तो इस पे भी क्वेश्चंस आने ही आने हैं. नेक्स्ट चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. तो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स हैं तुम्हें मालूम है, तो इस पर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नेक्स्ट वी हैव डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, क्वेश्चन आएगा, आता है, रिपीट होता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं, मेल से ज्यादा. मेल पर 1-2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ सकता है, मेंसुरेशन साइकिल आ सकती है, मेंसुरेशन साइकिल आ सकती है, प्लस उसके साथ साथ प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा कर लेना अच्छे से. प्लेसेंटा इज बेसिकली अ टिश्यू जो सारी की सारी चीजें ट्रांसफर करता है फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, ये तुम्हें याद ही होगा. उसके बाद है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ह्यूमन बीइंग्स में. फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है एंड आफ्टर दैट अगर अनफर्टिलाइज्ड एग रह गया तो मेंसुरेशन होगी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ यहाँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज पॉलिनेशन. 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पॉलिनेशन पर भी आ जाता है. नेक्स्ट वी हैव हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. एवोल्यूशन तो तुम्हें पता है कि इस बार तुम्हारा कट ही हो चुका है, सिर्फ हेरिडिटी हेरिडिटी है. तो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड दोनों क्रॉसेस आएंगे. प्लस करेक्टर्स पूछ सकते हैं कि मेंडल ने यही करेक्ट कौन कौन से करेक्टर्स थे पी प्लांट के, तो करेक्टर्स ऑफ पी प्लांट. उसके बाद क्या है हमारे पास एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स. रेशियो पूछ सकता है जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो. एंड क्या पूछ सकते हैं इस चैप्टर में से, और तो हाँ जी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के लॉज 3 लॉज है मैंने बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ज्यादा नहीं इस चैप्टर में से, सबसे कम है आई गेस, इतना ही आ सकता है. नेक्स्ट वी हैव लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो ये चैप्टर काफी वेटेज का है और बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं. तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें सारी की सारी चीजें आ जाती हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ कन्वेक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ कनकेव, रिफ्रैक्शन ऑफ कनकेव कन्वेक्स, बोथ मिरर्स एंड लेंसेज. देन वी हैव मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, अलग अलग है वो भी आएगा. फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन अ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स आएंगे, मायोपिया प्रेसबायोपिया, करेक्शंस आएंगी और कैसे हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज. ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ भी नहीं सकते है ना. नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड या फिर कोई भी कंडक्टर, वो इम्पॉर्टेंट है. सोलेनॉइड मेनली आता है, स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर बहुत कम आता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं. फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स किस ढंग से लग रहा है. फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, एक ही रूल है तो ये तो आएगा ही. डीसी एंड एसी, वैसे रेयर चांसेस हैं डीसी और एसी के डिफरेंस के. उसके बाद है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है 1-2 मार्क्स में, उससे ज्यादा नहीं.
नेक्स्ट वी हैव हमारे पास आर एनवायरमेंट. ये है हमारे पास अभी तक का सिलेबस का शायद लास्ट चैप्टर ही आर एनवायरमेंट. आर एनवायरमेंट में इको ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम में भी आगे दो टाइप्स थे, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स है, ओजोन डिप्लीशन है, वेस्ट प्रोडक्ट और उनका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें. और क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है. तो जो ये फिक्स टॉपिक्स है ना, चार पांच यही आएंगे, इन्हीं में से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन के आएगा तुम्हारे लिए. आर एनवायरमेंट इसलिए दिया हुआ है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन पाए ताकि तुम अच्छे से स्कोर कर सको. अच्छा, उसके बाद है अभी चैप्टर्स. आर एनवायरमेंट वैसे लास्ट चैप्टर है, लास्ट में ही कराया जाता है. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर मेन इस चैप्टर में क्या है हमारे पास, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आना ही आना है, रेजिस्टर पे क्वेश्चन आना ही आना है, वी इक्वल्स टू आई आर आना ही आना है. रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को डिपेंड करते हैं, जिसपे वो आने ही आने हैं. पैरेलल हो गया, सीरीज हो गया, ये सारे के सारे. एंड देन लास्ट में जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वी हैव इलेक्ट्रिक पावर. तो पावर पर भी, क्योंकि हमारे पास पी वी आई एंड आर का रिलेशनशिप है, तो इस वजह से इस पे भी कोरिलेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. पावर पे मेनली ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर पर क्वेश्चंस फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे. न्यूमेरिकल्स तो आने ही है इस चैप्टर में से, बेस्ड हो गए. ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट चैप्टर. अभी तक टोटल आई गेस हमारे पास 13 चैप्टर है सिलेबस में, और मैंने हर चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें बता दिए हैं. अगर अभी तक भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने बहुत कम तैयारी की है, तो वो अगर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेगा तो इजिली स्कोर बढ़ा सकता है. एटलीस्ट अपना 10 से 20 नंबर तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता ही आता है. बाकी तुम्हें पता है, बोर्ड्स हो कोई भी हो, पेपर हर बच्चे को देख के बनता है, होशियार से होशियार बच्चे को देख के बनता है, और अगर कोई वीक है, बिलो एवरेज है, तो उस बच्चे को देखकर भी पेपर बनता है. तो हर बच्चे के लिए पेपर बनाया जाता है, तो 70% पेपर ऐसा होता ही है कि हर बच्चे इजिली अटेम्प्ट कर पाए. ठीक है, अब वो जो 30% है ना, 20-30%, उसमें थोड़ी सी चीजें आती हैं जो मोल्ड होके आ सकती हैं, बट उसमें भी डर की बात नहीं है. अपनी तैयारी रखो, अपनी तैयारी शुरू करो, इजिली सारा का सारा चैप्टर हो जाएगा, सारे के सारे. अपनी क्वेरीज डालो, कमेंट करो, लाइक करो, और वीडियो को शेयर कर देना. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.